हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ कि ऐसी जगह पर जो कि अभी रिसेंट में ही ओपन हुई है 7 जुलाई के आसपास। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एलिवेट एडवेंचर पार्क। ये जो है कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या टाइमिंग रहने वाली है, यहाँ पर क्या टिकट प्राइस रहने वाला है, सारा जो है इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। साथ ही साथ इसका पूरा कंप्लीट टूर करेंगे, कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर करने को मिलने वाली है, क्या पैकेजेस रहने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी। काफ़ी बड़ा है ये एडवेंचर पार्क, एक बार बता दूँ तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता लग सके कि यहाँ पर बर्थ है आना या नहीं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना भूलना नहीं। सो सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं ये कहाँ पर पड़ने वाला है। दोस्तों, ये पड़ने वाला है गुरुग्राम में है, ये फरीदाबाद रोड बलोला बंडवारी गुरुग्राम, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है मैं अपनी बाइक से आया हूँ, यहीं पे बाहर पार्किंग है, गाड़ी बाइक आप अपना आराम से कर सकते हैं, फ्री पार्किंग है, यहाँ से एंट्री हो जाएगी। मेन अंदर एक्टिविटीज़ करने को मिलने वाली है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो रहेगा सिकंदरपुर। तो चलिए अब आपको यहाँ के टिकट प्राइस वगैरह भी बता देते हैं। टाइमिंग रहने वाली है सुबह 9 से लेकर रात 8-9 बजे तक ओपन रहता है ये। अभी गर्मियाँ हैं तो इवनिंग के टाइम में आप आएंगे थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन और थोड़े टाइम बाद तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंट्री करने के बाद आता हूँ तो आपको मैं यहाँ पर इनके जो है रेट लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है ये सारी इनकी, देखिए यहाँ पर 1999 रुपये से स्टार्ट है। मैं देख पा रहा हूँ प्रायोरिटी पास लिखा है यहाँ पर, निंजा ड्यूरेशन अप टू 4 घंटे, मतलब 4 घंटे के लिए आपको मिलेगा, जिसमें मील वाउचर भी रहने वाला है। और ये सारी एक्टिविटीज़ आप देख पा रहे हैं कितनी सारी हैं, रोप कोर्स, फायर क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जिप लाइन, डेविल्स क्लाइंब, टेम मेल्ट डाउन, रेन डांस, बंजी, नेट क्लाइंबिंग, मतलब करीब ये 20 एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं जो आपको इसमें करने को मिलेंगी और बड़ा मज़ा आएगा। ऐसी नाइट एक और है 1999 का, ये वाला आप देखिए, इसमें है किंग्स कमांडोज मील वाउचर और प्लस आपको सामने एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी। सो इन्होंने पैकेजेस में बांटा हुआ है बेसिकली, ये भी 4 घंटे के लिए है। इधर वाला है 1399 का भी एक, जिसमें ये 2 घंटे के लिए रहने वाला है, इसका नाम डेयर डेविल दे रखा है। सो ये बेसिकली ये वैसी जगह है, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने ग्रुप्स में आते हैं तो आप आपस में कम्पीट भी कर सकते हैं, कम्पिटिशन वगैरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का आपको यहाँ पर पूरा इन्जॉयमेंट होने वाला है। 799 का भी है, आप नहीं लेना चाहते 1300 का तो 799 में आपको यहाँ पर जो है मील नहीं मिल रहा, ड्यूरेशन 2 घंटे की रह रही है और ये सारी एक्टिविटीज़ करीब 1, 2, 3, 4, 5, 10 एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, कैसल भी मिल रही है यहाँ पे, किंग मींस कैसल है, 81 कैसल्स करके एक बहुत जमाने पहले आता था, जैसे उसी का जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं रूप है। ये देखिए 1499 का रहने वाला है, 2 घंटे के लिए आपको ये जगह मिल जाएगा। सो ये सारे तो इनके जो है पैकेजेस हो गए अलग अलग। सो अभी न्यू खुला है इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा लोग कम है गर्मी की वजह से भी। और यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ये रोप कोर्स करने जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, रोप कोर्स काफ़ी सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे 3 लेवल में इस रोप कोर्स को बनाया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे देखो हेलमेट वगैरह और ये बेल्ट वगैरह बांध दी जाएंगी पूरे प्रॉपर। फर्स्ट लेवल पे जा रहे हैं हम, ठीक है। टोटल 12 हर्डल है ना। सो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट लेवल करने। आरती तो 2 कदम गई और वापस आ गई, वो डर गई है, मैं जाता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों, वहाँ से शुरू कर रहा था, 4 बार 6 हो गए। अब ये वाला जो है ना, देखो ये वाला मूव करेगा ऐसे, इस पे पैर रखूंगा ना ये नीचे दब जाएगा, थोड़ा सा टफ है, आगे भी है, देखते हैं कहाँ तक करते हैं, गर्मी बहुत है। तो ये है किंग मींस कैसल, 81 कैसल, पहले आपने देखा होगा, बहुत पहले टीवी में आता था। इसमें बेसिकली कम्पीट कराते हैं ये ग्रुप में ना, ग्रुप के लिए फायदा है ये, कि यहाँ से आप जाएंगे और ऐसे इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से वहाँ से ऐसे जाएंगी ये। सुबह यहाँ पर देखो ये जावाज लोग तैयार हो गए, दो टीमें बना दी यहाँ पे, रेड ब्लू जाना, अदरवाइज पूरा टर्न हो गए, जैसे लैडर से हम लोग उतर देना तो वैसे उतरना, लोग तो बहुत आगे बढ़ गए देखो। मुझे भी भागना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है। ये देखो ये लोग यहाँ पहुंच गए और वो लड़के लोग तो आगे हैं बहुत, चलो लड़के लोग तो जो आगे उनको छोड़ते हैं, हम तो ग्रुप वाइज जो ज्यादा ग्रुप में हमें दिख रहे हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे एक पजल बनानी इनको, ये तो टायर वाला था।
ये देखो इधर पजल है, ये पजल बनानी है लोगों को। उठा लो जो बने हुए हैं, लूज है ये तो, कोई ना उठा के लेके चलो जो यूज कर रहे हैं। यहाँ से उठा के लेके जा रही है, रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे पजल हो गई इनकी बाईस पे गिरेगा वो। अब ये लोग ना इनसे खड़े होकर तो नहीं रहा, तो ऐसे बैठ बैठ के भी कर रहे हैं, वो कर सकते हो बस पैर, लेकिन तब भी नीचे नहीं जाना चाहिए। अब जो है ना एक मेज है ये बेसिकली, जैसे इनको ये क्लियर करनी होगी, हर्डल है ये एक। ओ यहाँ पे वैसे पानी भरते थे। एलिमिनेट, एलिमिनेट। अच्छा एलिमिनेट हो गया, ओके ठीक है समझ गया। ओ ये देखो ये वो सही गेट से आ गए, ये गलत गेट से आए। ओके 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 इधर देखो ये लगा रखा है, पानी होगा बाद में, अगली बार भी भागता हुआ आएगा तो अंदर ही गिर जाए, अंदर गिर जाएगा इसमें। कौन पे लाया है? यहाँ पर होगा फाइट वाला सीन, फाइट होगी अब आपके यहाँ पे बॉक्सिंग। ये देखो बड़ा मजा आ रहा है यार, ग्रुप होता तो मैं भी करता, मेरी कौन कौन करेगा ना। ये देखो इन्हें गिराने, रेड टीम यहाँ करेगी। निकल नहीं रही, अरे अरे ये तो ये कहाँ से आ गए, टीम नहीं है ये तो। अभी इनका एक हर्डल उधर बचा है यार, इनको टाइम लगेगा, पूरा रिकॉर्ड करूंगा तो क्या फायदा। ठीक है एक हर्डल ये क्रॉस करेंगे, दो हर्डल है यहाँ पर, सो टोटल तीन हर्डल बचे हैं अभी, जिसमें इनको भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं अब छोड़ के आ गया हूँ। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी चिल्ला रही हूँ ऊपर। सो यार यहाँ पर ना स्विंग में आपको दिखा देता हूँ, पहले मैंने सोचा था मैं स्विंग करूंगा बट मैं कर नहीं रहा। ये देखो सो स्विंग का आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, और काना दाल की वीडियो में कर रखे हैं यार ये चीज़ें। सो ये लेके जाएगा करीब आपको अराउंड 30-40 फीट आई है। जा रहा तोड़ दिया। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी आ गए हैं, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, देखो उधर भी आ गए, ये इस तरीके से कर रहे हैं, हमने करी थी ना। सो भाई मैं ये इंजेक्शन देने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल जगह तो भैया ये कर लिया, बड़ा मज़ा आया यार, लेकिन ना गर्मी बहुत है, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सी करूँ। देखो उधर सिंह है, ये करेगी नहीं, ये वॉल क्लाइंबिंग तो मुझे थका देगी बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं भाई जिप लाइन पे, इनकी ऊपर टावर पे जाना पड़ेगा, करीब 300 मीटर की जिप लाइन है भैया। देखो ऊपर आ गए, यहाँ से जाएंगे नीचे, देख लो कितना बड़ा है ये, ज़बरदस्त।
मजा आ गया, मजा भाई पूरा बाहर आ गया। जिप लाइन इतनी बड़ी थी कि एंट्रेंस पे आ गए देख रहे हो। सो यहाँ पर जो है ना, अगर आपके पास पैकेज फूड वाला है लाइक, तो दिन में जो है लोग लंच ले लेते हैं, रात के टाइम डिनर ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल क्या क्या वैरायटी नज़र आ रही है मुझे। अटैक हो चुका है, बहुत देर से वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो है ना, आप ये देखो 3-4 सब्जियाँ नज़र आ रही है मुझे, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखो यहाँ पर दाल मखनी, राइस, आलू जीरा और पनीर नज़र आ रहे हैं। ये देख रहे हो ये टायर क्लाइंबिंग, ये गर्ल्स तो ऊपर से नीचे आ चुकी है देखो। इतनी ऊंची है भाई, 50-60 होगी, हाँ होगी 50 तो। आई तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ स्काई साइकिल करने, आप देखना मजे से नीचे। तो देखो ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको सारी जो है दिखा दी हैं एक्टिविटीज़। ये साइकिल है, ये भी बंद पड़ी है, ये ऐसे ऐसे घूमेगी। यहाँ पर ये रोप कोर्स हो गया, वहाँ पर एक बुल राइड है, सब आप ये सब कर सकते हो। सो भाई मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा। सारी जानकारी दे दी थी यार, नया खुला है, आओ यहाँ पे एंजॉय करो। पैकेजेस वगैरह स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं, फिर से बोलूँगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर एक मिनट में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर आपको पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं है। बाकी स्किप करके मत देखना, क्योंकि आपको तो भी पता लगेगा यहाँ पे क्या क्या था। लोगों को करते हुए मैंने आपको दिखाया, मेन कैसल यहाँ का अट्रैक्शन है, सो उसे आप आके जरूर एंजॉय करें। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।